हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप ठीक ही होंगे। सो गाइस, आप सुबह के टाइम में, जैसे कि सुबह हम तो अपने घर में साफ सफाई ही करते हैं, मैं भी ऐसे कर रही हूँ, मॉप का काम चल रहा है मेरा भी। सो गाइस, ये देखते हैं कौन क्या क्या कर रहा है। तो गाइस, मेरी मम्मी भी झाड़ू पोछा लगा रही है और मेरे पापा भी बाहर से आए हैं। हमारे घर में कोई आने वाला गेस्ट, तगड़े वाला। सो अभी मैं आपको बताऊँगी। पापा, हेलमेट तो निकाल लो, घर में थोड़ी हेलमेट पहन के। पापा, क्या लेके आए हो बाहर से? अरे बाहर से काजू और कुछ बर्फी। काजू बर्फी लेके आए हो? चलो, मेरी मेरी तो उन्होंने बाद लाइफ बना दी। माता, क्या हाल है? ठीक है। राधा स्वामी बोलो सबको। राधा स्वामी। सो गाइस, मेरी दादी ने कल रात को खाना नहीं खाया था जब मैं पूछने आई थी। उसके बाद रात को मेरी दादी ने 11-12 बजे के बाद खाना खाया, मेरे को मेरे भाई को बताया। तब तक हम लोग सो गए भूखे पे। अब सुबह जाके मैंने और मेरे भाई ने ब्रेकफास्ट किया। और मेरी दादी जो है गाइस, बीमार होके भी नहाती है, बिकॉज शी इज़ वेरी हाइजीनिक। साफ सफाई उन्हें पसंद है। अभी देखो, अभी भी उन्होंने वो नहाई हुई है, सर धोया हुआ। उन्होंने मना करने के बाद भी कि आप बीमार हो, रुक जाओ, कोई बात नहीं, बाद में नहाने लिए। ठीक है माता, राधा स्वामी ठीक है। कुछ बोलना माता? वो लाइट टीवी बंद हो गया। नहीं नहीं, लाइट अब आ गई। गाइस, मेरी दादी जो है वो टीवी के बहुत शौकीन है। चाहे रात के 12 बज जाए, वो टीवी जरूर देखती है। कोई भी सीरियल हो जो 10 साल पुराना होगा ना, वो भी मेरी है? कौन सी? महाभारत। रामायण देखा करो ना माता। महाभारत क्यों देख रहे हो? माता बोल रहा है कुछ खाने। अरे नाटक कर रहा है। ब्रेकफास्ट कब? नाटक कर रहा है माता। ब्रेकफास्ट कब किया? हां, ब्रेकफास्ट कब किया आपने? सुबह नाश्ता? हां, अभी किया। अभी किया? ठीक है ठीक है। चाय पी ली। सो गाइस, इतने मेरी दादी रेस्ट कर रही है, तो मैं उनके रूम से मॉपिंग कर लेती हूं और उसके बाद मिलती हूं आपको फ्रेशन अप होने के बाद। ऐसा नहीं है कि मैंने सुबह बात नहीं लिया लिया है, लेकिन वो कहना कि अब मॉपिंग और स्वीपिंग करने के बाद दोबारा से बंदे को इतना वो पसीने स्वेटिंग आने लगती है कि उसको लगता है कि दोबारा एक और बात कर लें। तो मैं दोबारा बात करने के बाद आपको फिर से मिलूंगा। ठीक है। सो गाइज, आई एम बैक। लास्ट मैंने आपको ब्लॉग ख़त्म किया था जब मैं क्लीनिंग कर रही थी। उसके बाद मैंने आपको बोला था जब मैं फ्रेशन अप होकर आऊँगी तब मैं आपको दोबारा से अपना ब्लॉग चालू करूँगी। तो अब मैं आपको इंट्रो कराती हूँ हमारे बाकी प्लांट से। उस दिन जो मैंने फर्स्ट ब्लॉग में आपने आपको दिखाया था वो नीचे के प्लांट से, अब मैं ऊपर के प्लांट से दिखा रही हूँ हमने ऊपर क्या क्या उगाया है। सो ये देखिए गाइज, ये है पीपल का प्लांट, जिसको बैनियम प्लांट बोलते हैं। तो गाइज, ये बैनियम प्लांट हमारे पिछले घर में भी था, जो हमारा पहला घर था पुराने वाला, उसमें भी था और इसमें भी है। सो इसके बेनिफिट गाइज इतने हैं कि ये 24 hours ऑक्सीजन देता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं, घर के अंदर तो हम इसे बैनियम प्लांट को नहीं उगा सकते, ये अच्छा नहीं होता है, हमारा तो कुदरती हो जाता है, लेकिन आप बाहर कहीं भी एक प्लांट ज़रूर उगाएं। क्योंकि आज आपको पता है आज का टाइम कैसा है कि हमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए और ऑक्सीजन है नहीं, क्योंकि लोग पेड़ों को काट रहे हैं, तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। इसलिए हमें गाइस स्पेशली इस प्लांट के अंदर तो 24 hours ऑक्सीजन रहती है। एक ये वाला प्लांट गाइस, और सेकंड नंबर पर होता है बेल वृक्ष, जो मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में दिखाया था, जो हमारे नीचे था, आपने अगर देखा हो तो उसमें भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रहती है। सो गाइस, अगर आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा जिसमें आपने मैंने आपको अपना बेल वृक्ष दिखाया था, तो आप देखो प्लीज़, उसमें आप देखो, मैंने बेल वृक्ष को भी दिखाया है। सेकंड नंबर पर वो हमें ऑक्सीजन देता है, फर्स्ट पे ये देता है, सेकंड पे वो देता है। सो गाइस, ये बेसिल प्लांट है, ये तुलसी का पेड़ जिसको बोलते हैं, आप लोग इसको भी अपने घर में उगा सकते हैं। इसके भी लॉट्स ऑफ बेनिफिट होते हैं, काढ़ा बनाने में इसको काम में लिया जाता है और भी बहुत सारे होते हैं। आप लोगों को भी पता होगा तुलसी का पेड़ कितना अच्छा होता है गाइस। ये सिर्फ पूजा पाठ के लिए यूज़ नहीं करते हैं तुलसी के पेड़ को, ये हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। और आपने देखा होगा जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था उसमें हमारे घर तुलसी के मैंने कितने पेड़ आपको दिखाए थे। हमारे घर में तुलसी के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं गाइस। सो गाइज, अगर आपके घर में बेसिल का प्लांट नहीं है तो प्लीज़ अपने घर में उगाइए, इसके भी बहुत बेनिफिट होते हैं। जो भी घर में भी, मैं तो मेकअप करती नहीं हूँ गाइज, मैंने आप फर्स्ट टाइम ही मेकअप किया और मुझे इतना मेकअप आता भी नहीं है क्योंकि मैं करती नहीं हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। सो गाइज, मेरे राइट साइड में जो प्लांट है वो मनी प्लांट का है, उसके मिडिल में जो है वो पारिजात का है, और जो थर्ड नंबर पर है वो शोपीस का है, मनी प्लांट का। इसका रोल तो आपको पता है, इसका क्या रोल है, ये लोग बोलते हैं कि पैसों के लिए होता है इसलिए लोग इसको उगाते हैं, और अच्छा भी लगता है गाइस। एक जो बेल होती है ना वो अच्छी लगती है डेकोरेशन के लिए घर में बाहर के बाद। जो सेकंड नंबर पे है गाइस पारिजात का, उसका मिडल में जो पारिजात का प्लांट है गाइस, उसका उसके जो फूल होते हैं बहुत अच्छे फूल आते हैं, बीच में ऑरेंज होता है और साइड में वाइट होता है, उसको आप बेसिकली पूजा में ही यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। जो साइड में है जो फर्स्ट वाला, ये तो शो पीस है गाइस, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और ये लेकिन ये बहुत स्लोली स्लोली बढ़ता है गाइस, हमने बहुत टाइम पहले इसे उगाया था, ये तब से लेके अब तक इतना ही हुआ है बस, बहुत आराम आराम से धीरे धीरे स्लोली स्लोली बढ़ता है। सो गाइस, ये बना रही हूँ मैं अदरक का काढ़ा, जो खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है, और आज हमने लंच में बनाया है दलिया। सो ये देखिए, ये प्लेट में दलिया डाला हुआ, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है।
गाइस प्लीज आज का जो व्लॉग है मैं इसके अंदर आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे इस वाले व्लॉग को ज्यादा शेयर करें, ज्यादा लाइक करें, ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेसिकली मैंने प्लांट्स के ऊपर ही बनाया है कि हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। सो गाइस तब तक के लिए टिल देन टीसी स्टे होम स्टे सेफ।